शिवानी का जब टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद हमने उनका यूट्यूब चैनल खुलवाया। रिस्पॉन्स खत्म हो जाते हैं 2 महीने के बाद, पता नहीं सारी वीडियो बना लें, वो वायरल हो गए उनके साथ वीडियो बना ले, डालते थे फिर और कम करते करते 1 हफ्ते में एक वीडियो आता तो ये। और उस चीज को पहचानिए कि हम लाखों लोगों से, क्योंकि शुरू आप करिए बेसिक कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। आपके चैनल अगर एक बार रीच डाउन, वो भी ऐसे कहते हैं रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाते हैं, 36 स्टोरी लगाएंगे, 36 लोगों के पास मिलने जाएंगे, वो सब बेकार। आप अपना जो आप अपना काम है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ भागने में कर रहे हैं। अगर वही मेहनत आप अपने कंटेंट में करेंगे तो बेहतरीन। तो आप देख रहे हैं समाज की नजर, मैं हूं आपके साथ राजीव। तो आज की अगर बात की जाए तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके पर्चे के मोहताज नहीं है। अक्षय कुमार नाम है और भैया अगर जाना जाए तो शिवानी कुमारी जी का चैनल मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजर के रूम में है। और अगर बात की जाए शिवानी कुमारी जिस समय वायरल हुई थी, कई लोग ऐसे सोशल मीडिया पे जो वायरल हुए वो कुछ समय तक वायरल रहे, इसके बाद कहीं ना कहीं जीरो पे आ गए। और अक्षय जी से बातचीत भी करेंगे किस तरीके से इतने लंबे समय तक चैनल पे कार्य किया, क्या चैनल को बढ़ाने में किस तरीके से मेहनत रही और किस तरीके से शिवानी कुमारी जी को आप यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो भैया सबसे पहले अगर शुरुआत का दौर पे जाना जाए, शिवानी जी को हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, जब टिकटॉक पे आए थे तो उस समय अगर बात की जाए तो एक टिकटॉक बैन हुआ, बैन होने के बाद कहीं ना कहीं सारे लोग मार्केट से गायब हो गए। अब क्या किस तरीके से आपने प्रयास किया, किस तरीके से शिवानी जी को यहाँ तक पहुँचाने का आपका संघर्ष रहा है? सबसे पहले तो मैं समाज की नज़र जो आपका यूट्यूब चैनल है, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। देखिए टिकटॉक बैन हुआ उसके बाद शिवानी की जो जो स्ट्रगल रही, शायद बहुत सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, जो स्टॉक पे बहुत सारी कहानियाँ पड़ी हुई हैं। तो एक कंक्लूजन की अगर हम बात करें, ये शिवानी वायरल हुई ठीक है, बहुत लोग आज के डेट में तो बहुत लोग वायरल होते हैं। अब ये मान लीजिए महीने में 1 या 2 लोग लगभग में अपने क्षेत्र के वायरल हो ही जाते हैं, एवरेज अगर हम बात करें तो महीने में 1 बंदा वायरल होता है। वायरल किसे कहते हैं, उसका भी हमारे नजर में जो डिफिनेशन है हम बता दें, वायरल कोई आपकी एक नेचुरल चीज, एकदम से कोई एक वीडियो आपकी वायरल हो जाए, जैसे कि वंश का हापुड़ जी, और जैसे कि वो भुवन भुवन करके था वो कच्चा बादाम वाला जी, और वायरल भाभी ठीक है, ऐसे बहुत सारी लड़कियां और लड़के सब किसी एक वायरल वीडियो वायरल हो जाता तो हम लोग कहते हैं वायरल हो गए, वायरल हो गए ठीक है। और कुछ दिन बाद वो मार्केट से गायब हो जाते हैं, ये भी सच है, बिल्कुल सच है। अब इस यही तो आप पूछना चाहते हैं ना कि, नहीं वही, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि वायरल लोग होते हैं गायब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उन लोगों के बीच में कुछ कमियां रहती हैं, किस तरीके से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और आपने क्या संघर्ष किया, किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया, ये जानना चाहते हैं। यूट्यूब जो है ना एक लॉन्ग प्रोसेस है, जैसे कोई वायरल हो गया उसको मतलब 2 दिन के अंदर बहुत ज्यादा फेम मिल गया, हाईलाइट हो गए बंदे, लेकिन वो गलती कहाँ करते पता है सर, तो सीखते नहीं है यूट्यूब के बारे में सीखते नहीं है। अगर वो सीखने जाए मार्केट में कैसे व्यूज लाना है, लंबे लंबे समय तक कैसे काम करना, सफल रहना, अगर वो चीज वो लोग सीख जाए तो सालों तक वो सोशल मीडिया से पैसे कमाते रहेंगे। बहुत सारे लोग वायरल होते हैं, खत्म हो जाते हैं 2 महीने के बाद, पता नाम भी नहीं पता चलता, और वही पुरानी लाइफ फिर आ जाती है उनके, 2 महीने तो पैसा कमा लेते, उसके बाद वो लोग पैसे नहीं, क्योंकि वायरल होते हैं सब कोई मिलने आता, उनको लगता है बॉस जिंदगी ऐसे ही कटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा, यूट्यूब का सीखना पड़ेगा, सारी बेसिक चीजें तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ये समझ लो। नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों के पास कोई रियल मैनेजर ना हो या चैनल को मैनेज करने वाला अच्छा व्यक्ति ना हो, इसलिए भी फेल हो सकते हैं, भी एक कारण माना जा सकता है, हो सकता है। हम 100% नहीं कहेंगे कि मैनेजर नहीं होगा तो आपका चैनल नहीं चलेगा, देखो तो यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ पड़ा, आप सीख सकते हो आराम से। अगर आप 2 घंटे सीखेंगे यूट्यूब पर कि थंबनेल कैसे बनना है, आपने वीडियो देखा किसी के देखिए, हमारी देखिए, बहुत सारे लोग हैं उनके देखिए, तो थंबनेल कैसे बनाना है वो देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, आप 10-5 दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे थंबनेल बनाना सीख जाएंगे, एल्गोरिदम पे काम करेंगे, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, उसके टाइटल टैग्स कीवर्ड कैसे कैसे काम करते हैं, वो धीरे धीरे सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे, एडिटिंग सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा नहीं 1-1.5 महीने में आपको जरूर नहीं पड़ेगी मैनेजर की, लेकिन सर हम क्या बताएं आपको, 95% लोग तो सीखना ही चाहते, वो उनकी मेंटेलिटी की ये होती है कि हम उनके साथ वीडियो बना लें, वो वायरल हो गए उनके साथ वीडियो बना लें तो हम भी वायरल हो जाएंगे, हमारे हमारे पास भी पैसा आने लगेगा, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं। अगर आप
आपको जानकारी हो जाएगी, आप दूसरे के पास वीडियो बनाने नहीं जाएंगे सर। अगर माना जाए यूट्यूब पे, जैसा कि कई लोग आपके पास लगातार आते हैं, मुलाकात भी होती है, लोगों को जानकारी नहीं, अवेयरनेस का भी आप लगातार कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूट्यूबर बनाने का भी आपका संघर्ष इस समय जारी है। शिवानी जी पे बातचीत करते हैं, शिवानी जी के जिस समय चैनल की शुरुआत हुई थी, तो किस तरीके से आगे ब्लॉग बनना स्टार्ट हुआ था, क्या एक स्ट्रेटेजी रही जो हमारे लोग जो देख रहे हैं उनको एक जानकारी मिल सके, किस तरीके से आगे प्रोसीजर? देखिए, शिवानी का जब टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद हमने उनका यूट्यूब चैनल खुलवाया। रिस्पांस बहुत खराब था, सच बता रहा है आपको, रिस्पांस अच्छा नहीं था उस समय, थोड़ी निगेटिविटी भी फैली थी शिवानी की इमेज को लेकर के। तो हम लोगों ने फिर उस पर काम शुरू किया, 10-20 ब्लॉग बनाए भी हम लोगों ने, छोटे दो मिनट पब्लिश नहीं किया, बस प्रैक्टिस चल रही थी। अच्छा, अगर बात की जाए शिवानी कुमारी जी का जब पहला ब्लॉग आया था, क्या शुरुआत के समय पे ही यूट्यूब पे व्यू आने लगे थे या कुछ ब्लॉग डालने के बाद, कुछ आपको तो जानकारी होगी? पहला वीडियो डाला था तो उस पे ऑलरेडी 35-40 हज़ार सब्सक्राइबर थे पहले से ही, तो क्योंकि टिकटॉक से वहां पर ट्रांसफर किए थे। तो उसके बाद 3-4 लाइव करवाई और उसके बाद में 8-10 वीडियो छोटे छोटे व्लॉग, क्योंकि उस समय व्लॉगिंग का क्रेज नहीं था। नहीं था, बिल्कुल गांव में कोई व्लॉगिंग जानता ही नहीं था, और यहाँ तक कि हमने शिवानी को बताया तो शिवानी भी कहती थी ये क्या चीज है। बिल्कुल, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया उस समय, मतलब जो लोकल के लोग थे, व्यूअर्स ने तो शुरू सपोर्ट किया, जो लोकल के सपोर्ट करने वाले लोग, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, अरे क्या फूल पत्ती वही, तो अपना कल्चर है भाई, दुनिया में ये कल्चर अपने देश का शायद किसी देश के पास, और ये कल्चर से हम लोग शर्माएंगे फिर क्या मतलब। आज देखो शिवानी की वीडियो सारे लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं। तो वहां से स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके शिवानी को बोलने में प्रॉब्लम हुई, धीरे प्रैक्टिस करते गए, पहले 15 दिन में एक वीडियो डालते थे, फिर और कम करते करते एक हफ्ते में एक वीडियो, आज 2 दिन में एक वीडियो, और जैसे कुछ स्पेशल त्योहार हुआ या कुछ भी हुआ तो फिर रेगुलर कर देते हैं। तो अगर बात की जाए, इस समय कई यूट्यूबर लगातार वो भी देख रहे होंगे, यूट्यूबर बनना चाहते भी होंगे, शुरुआत के दौर पे अगर बात की जाए तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कई लोग लगातार आते हैं, वो लोग चाहते हैं कि लगातार फेम मिल जाएगा कुछ लोगों द्वारा, तो आपका क्या मानना है, क्या फेमस लोगों के यहाँ जाके वीडियो बनाना यूट्यूब लाइन में फेमस होने का जरिया है, या अपना कंटेंट पे काम करे यूट्यूबर बन सकता है, क्या आपके माध्यम से? क्या देखिए सर, हम आपको एक बात दो पॉइंट, तो मान लीजिए फेमस लोगों के यहाँ जाके क्या यूट्यूबर बन सकता है या अपने कंटेंट से बन सकता है? अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम दूसरे बड़े यूट्यूबर्स के पास जाकर वीडियो बनाए और हम वायरल हो जाएंगे, हमको पैसा भी आ जाएगा, हमारा मानना है पर्सनल ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर किसी के पास एक एग्जाम्पल हो तो बता दीजिए। कंटेंट पे दम होनी चाहिए। बिल्कुल, आप सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करें, लिपसिंग करें, शॉर्ट वीडियो, आप उस अपने अंदर झांकिए और उस चीज को पहचानिए कि हम लाखों लोगों से कौन सी चीज बेहतर कर सकते हैं। आपके पास वो कला जरूर होगी, इस पृथ्वी पे हर एक जीव के पास कोई ना कोई एक टैलेंट होता है। चींटी को ले लीजिए, अपने से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। कुत्ते को देख लीजिए, सूंघने की क्षमता है। तो आप मनुष्य, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक कला होगा, आप उसको पहचानिए तब YouTube पर आइए, और उसके पहले बेसिक कंप्लीट करने के बाद, हमेशा हमारा यही वर्ड रहता YouTube पर शुरू आप करिए बेसिक कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, आपके चैनल अगर एक बार रीच डाउन हो गए दोबारा उठाने बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल, क्योंकि YouTube पे एल्गोरिथम कहता है कि रीच अगर आपकी हाई फाई होगी तो वीडियो कंटेंट थोड़ा डाउन भी होगा, तब भी कहीं ना कहीं रेस में चला जाएगा, और रीच नहीं होगी तो आगे नहीं जा पाएगा। तो अब सर ये एक चीज भी और भी जानना चाहते हैं, शिवानी जी का आपने मान लीजिए चैनल में लगातार कार्य कर रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे यूट्यूब के बारे में, क्योंकि उस समय नॉलेज बहुत कम लोगों को हुआ करती थी, उस समय का अगर दौर बात की जाए तो जियो की शुरुआत थी, और जियो की शुरुआत के समय पे यूट्यूबर बहुत कम, बहुत दूर दूर तक नहीं थे, तो आपको नॉलेज कैसे था इस तरीके? क्या था ना कि 2016 में यूट्यूब पर एक क्रांति आई थी, जियो जब आया, और हम आपको बताया कि हमने एंड्रॉयड फोन चलाना बहुत बाद में शुरू किया, क्योंकि हम जेएनवी नवोदय विद्यालय नवीपुर में हमने पढ़ाई की है, और 2016 में हमने 12th पास किया है, तो 2016 के पास आउट अप्रैल तक तो हमने कभी एंड्रॉयड फोन चलाया ही नहीं था, समझ लो अप्रैल तक। और 2018 में हमने पहला सफल यूट्यूब चैनल चालू कर दिया था 2018 में, उसके बाद 2016 लास्ट तक हमारे पास पहला एंड्रॉयड फोन आया। तो ऐसे करके हमने उस समय एजुकेशन की तरफ ध्यान रहता था, पढ़ाई करते थे, तो एजुकेशन चैनल ही हमने खोल दिया। स्टार्टिंग में हमने भी ये गलती की, हम टारगेट बनाते थे अपने यार दोस्त, यहाँ तक के अजनबी लोगों से, जैसे आप बैठे हो ऑटो में, आप हमको मिल गए, अरे भैया आप यूट्यूब चलाते हो? आपने कहा
यूट्यूब तो सभी चलाने लगे थे 2018 में। हाँ मोबाइल देख लिया एंड्रॉइड है तो भैया यूट्यूब चलाते। हाँ फिर बातें करने लगे नेटवर्क मार्केटिंग वाले, नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे नहीं अननोन लोगों से बात करना भी। फिर कहते भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना हमारा, ये मतलब ये हमारी बेवकूफी थी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपके सब्सक्राइबर वही होने चाहिए जो आपका कंटेंट पसंद करें। आपके हर वीडियो चलेंगे, व्यूज हर वीडियो पे आएगा, ठीक है। वो भी हमारे अब जो नए लोग हैं वो भी ऐसे कहते हैं रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाते हैं, 36 स्टोरी लगाएंगे, 36 लोगों के पास मिलने जाएंगे, वो सब बेकार। आप अपना काम है जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ भागने में कर रहे हैं। अगर वही मेहनत आप अपने कॉन्टेंट में करेंगे तो बेहतरीन होगा, आप सफल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी, जिन्होंने लगातार अगर बात की जाए शिवानी जी का चैनल कई वर्षों से मैनेज कर रहे हैं। और अगर बात की जाए यूट्यूब में तो शुरुआत के दौर में इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, जिस तरीके से बताया कि अपने हाथों से चैनल सब्सक्राइब करने में। और हमारा भी मानना है क्योंकि हम भी कई वर्षों से यूट्यूब पे कार्य कर रहे हैं, यूट्यूब पे शुरुआत के समय पे अगर आपने अपने हाथों से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कर दिया, वो लोग आपका वीडियो देखना नहीं चाहते, उन लोगों के पास आपकी रीच जाएगी तो आपका चैनल कभी भी पॉपुलर नहीं हो सकता है। अगर कंटेंट वही लोग हों जो लोग लगातार आपके देखने वाले, वही लोग आगे इसको देखें। एक सच्चाई बताएं सब लोग वही करते हैं, जितने लोग यहाँ पे होंगे अगर न्यू स्टार्टअप है तो सब लोग करते हैं। क्या कहते हैं नया चैनल खोलेंगे, पहला वीडियो डालेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स को बोल देंगे कि सब्सक्राइब करो जाकर, ठीक है। और फ्रेंड्स क्या करते हैं कि वो जाके क्लिक कर देंगे, वीडियो देख एक दो सेकंड देखेंगे, कमेंट भी कर देंगे, नाइस बहुत बढ़िया शानदार आग लगा दी तहलका मचा दी, ऐसा करते हैं। तो वो आपकी वॉच टाइम नहीं बढ़ाते हैं। देखा बस भाई ये बताओ तुम्हारे फ्रेंड्स को पसंद है आलू की सब्जी, आप उनको मूली को परोस रहे, तो क्यों भाई जिनको उस चीज की जरूरत है वही आदमी देखेगा। अब एजुकेशनल वीडियो आप स्टूडेंट को शेयर करिए, व्लॉग है तो आप उन लोगों को दिखाइए जो व्लॉगिंग देखना चाहते। जैसे सीरियल आता है टीवी पर, सीरियल हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, शायद आपके बिना, लेकिन ये मैम है वो मैम इनको बहुत पसंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आदमी को जो पसंद है वही देखता है। आपका जो कंटेंट है वहाँ उस कंटेंट की डिमांड किस सेक्टर में है वहाँ आप अपना प्रमोशन करिए तो ज्यादा बेटर लगता है। बिल्कुल वहाँ से आउटपुट निकलेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी, जिन्होंने साफ तौर पे जानकारी भी दी। अगर बात की जाए यूट्यूबर जो लोग बनना चाहते हैं वो भी एक तरीके से अगर माना जाए, यूट्यूबरों को भी जानकारी दी और शिवानी जी के संघर्ष के भी बारे में बताया किस तरीके के, क्या यूट्यूब पे जीरो से हीरो बनने तक का सफर किस तरीके का रहा है। अगर माना जाए यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे भैया आज की तारीख में कंपटीशन का दौर है, यूट्यूबर बनना आसान काम नहीं है। क्योंकि अगर माना जाए फ्रेम के लिए आप जा सकते हैं, किसी के यहाँ फ्रेम आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत मिल सकता है, जब तक आपके कंटेंट में दम नहीं होगी तब तक आप पॉपुलर नहीं हो सकते हैं। तो आज की जानकारी आपको पसंद हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके।